अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फरिया फूड सीक्रेट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आए जल्दी से मामा से पूछते हैं कि आज हमें क्या बनाना सिखा रही हैं। तो मामा, आज आप हमें क्या बनाना सिखा रही हैं? बेटा, आज मैं आपको मिक्स वेजिटेबल्स सिखा रही हूँ, जिसमें मूंगरे हैं, गाजर है, मटर है, आलू और मेथी है। प्याज मैंने काट लिया हुआ है, और सबसे पहले मैंने घी शामिल किया। घी को आप अच्छी तरह गर्म कर लें। घी हमारा गर्म हो चुका है, मैंने 2 अदद प्याज इसके अंदर डालकर इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने लाइट पिंक सा कलर करना है, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, मैंने इसके अंदर गार्लिक पेस्ट डाल दूँगी। गार्लिक पेस्ट डालने के बाद अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी। आपने इसको इसी तरह भूनते जाना है। इसके अंदर हमने स्पाइस बहुत कम डालने, ज़्यादा नहीं डालने। अब मैं इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। स्पाइस अपने अच्छे रखने हैं, लेकिन बहुत कम मसाले इसके अंदर यूज़ होते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी हम इसके अंदर डालते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे, क्योंकि मसाले को हमने अच्छी तरह भूनना है और पानी इसके अंदर बिल्कुल ड्राई कर देना है। 3 चीज़ें हमने डाल दी हुई, नमक, हल्दी और लाल मिर्च। इसके अलावा हम लोग इसके अंदर कुछ नहीं डालेंगे। अब मसाला हमारा भुन चुका है, तो मैंने इसके अंदर वेजिटेबल डाल दी हुई है, और इसको इसी तरह आपने कवर किए बगैर ही अच्छी तरह भूनना है, क्योंकि वेजिटेबल का अपना पानी होता है, उसी के अंदर इसको पकाना है। अब मैंने मेथी अलग से काट कर रखी हुई है, वो इसके अंदर मैं डाल दूंगी, और आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको तेज़ आंच पर आप पकाते जाएं और इसको भूनते जाएं। अब मैंने सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर डाल दी हुई हैं, क्योंकि वेजिटेबल का अपना एक पानी होता है, इसको तेज़ आँच पर आप अच्छी तरह भूनेंगे तो बहुत जल्दी ये सब्ज़ियाँ आपकी तैयार हो जाएंगी। बस अब ये सब्ज़ियाँ तैयार हो चुकी हैं, मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करूँगी। देखिए, बहुत ही मज़े की हमारी वेजिटेबल तैयार हो चुकी हैं। इसके अंदर हम लोग ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, लेकिन इसके अंदर सिर्फ मैं ज़ीरा शामिल करूँगी। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, अब मैंने इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर दिया। इसके अलावा हम लोग इसके अंदर कोई मसाला नहीं डालेंगे, चाहे तो आप सब्ज़ धनिया डाल सकते हैं। बहुत ही मज़े की हमारी मिक्स सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। आप इसको गर्म गर्म रोटी के साथ खाएँ, बहुत ही इंजॉय करेंगे। छोटे बच्चे और बड़े इसको बहुत ही पसंद करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी मेरे पेज का हिस्सा बन सके। अगर आपको कुछ नया सीख रहे हैं, मुझे वो भी बताएं। अपनी सेहत का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।